हेलो बच्चों, चलिए आज एक मेमोरी इंटरफेस का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो मोस्टली ऐसे ही कोई पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे और कैसे इसका मेमोरी अलॉट किया जाता है उस चीज़ को चेक करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि 16K x 8 का टोटल मेमोरी बनाना है, टोटल मेमोरी को आपको इंटरफेस करना है। तो टोटल मेमोरी कैसे इंटरफेस करेंगे आप, और आपके पास आईसी कौन सी दी गई है। आईसी आपके पास दी गई है 4K x 4 का, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास एक आईसी मिला हुआ है। इस आईसी को यूज़ करते हुए आपको टोटल मेमोरी बैंक कितने का बनाना है। तो ये कैसे बनता है और कैसे इसको अटैम्प्ट करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे कि प्रीवियसली मैंने बताया था कि आपके पास जो फॉर्मेट है, फोर आईसी से हम डिफाइन करते हैं। तो ये जो हमारे पास जो 4 होता है वो हमारा डेटा लाइन को डिफाइन करता है। हम टोटल डेटा लाइन, जो टोटल हमारे पास डेटा लाइन होंगे वो 4 डेटा लाइन को ही इंटरफेस कर पाएंगे इस आईसी के साथ। और हमारे पास टोटल एड्रेस कितने हैं, तो टोटल एड्रेस हमारे पास 4K है। तो इस 4K एड्रेस को हमको एड्रेसिंग करने के लिए कितने एड्रेस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारे पास एक इसका फॉर्मूला होता है, 4K इक्वल टू होता है हमारा, इसका न्यूमेरिकल हमें हम लिखेंगे तो 4000 होता है। लेकिन इसको बाइनरी डिजिट में अगर हम पावर्स में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं 2 का पावर 12 = हमारे पास आता है 40128, कुछ इतना वैल्यू बनता है इसका। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 4000 के इक्वलेंट। तो 4000 के इक्वलेंट हो रहा है, तो ये जो 12 जो आया है हमारे पास वैल्यू, ये 12 हमारा एड्रेस लाइन को डिफाइन करता है। तो हम टोटल एड्रेस लाइन, हम लोग यहाँ पर 12 एड्रेस लाइन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास अब आ चुका है 12 एड्रेस लाइन, और डेटा लाइन हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 4 डेटा लाइन है। तो इस तरीके से हम आईसी, एक सिंगल आईसी को इतने ही पिन से हम जोड़ सकते हैं, हमारे पास इतनी वैल्यू है। लेकिन हमको बनाना क्या है, 16x8 का मेमोरी बनाना है। 16x8 बनाने के लिए इसके इक्वलेंट हमारे पास कितनी आईसी हम जोड़ेंगे एक दूसरे से कि हमारा इतना मेमोरी को एड्रेस कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ये कि जो ये 4K और यहाँ पर 16K इसको इक्वलेंट करेंगे। तो दोनों इक्वल होने के लिए कितने, तो इक्वल करने के लिए क्या मल्टीप्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ 16K को इक्वलेंट करने के लिए 4 से हमारे पास अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 4K। तो ये जो 4 डिजिट जो होगा हमारा मल्टीप्लायर हमारा, वो तो आईसी को डिफाइन करता है यहाँ पर। तो आईसी को डिफाइन कर रहा है 4K एड्रेस के लिए। और यहाँ पर जो हमारे पास डेटा लाइन है, डेटा लाइन को इक्वलेंट करने के लिए हमारे पास कितने हैं, जो 8 = 2 मल्टीप्लाइड कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 4। तो इस तरीके से हम इक्वलेंट निकालते हैं। तो हमारे पास अब इसका मल्टीप्लायर बनाएंगे हम लोग 16K x 8। तो हम इन सबको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लायर यहाँ का 2 मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड 4K मल्टीप्लाइड 4। तो ये हमारी आईसी है, ये हमारा टोटल है, तो ये हमारा टू नंबर ऑफ आईसी होगा। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ आईसी, कितने नंबर ऑफ आईसी की ज़रूरत पड़ेगी वो हम इस तरीके से निकाल पाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं 4x8 4x2 मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईसी हो गया 8। हमको 8 आईसी की ज़रूरत पड़ेगी इसको मेमोरी बैंक को असेंबल करने के लिए 16x8 के लिए। तो अगर हमको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितने होंगे और नंबर ऑफ डेटा लाइन कितने हमको हम एक आईसी के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा ये कि हम कितने आईसी जोड़ेंगे कि हमारा डिज़ायर जो जितना डिज़ायर जो हमको बैंक बनाना है वो मेमोरी बैंक वो उसके इक्वलेंट हो जाए। तो हमको यहाँ पर उसके लिए ये इस तरीके से हम इस कैलकुलेट करेंगे तो हमको टोटल आईसी पता चल जाएगी कि हम टोटल 8 आईसी यूज़ करते हुए हम ये टोटल मेमोरी बैंक बना पाएंगे। तो चलिए हमारे पास ये आ चुका है, अब इसको कैसे अटैम्प करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। पहले आईसी में कितने किस तरीके से अटैचमेंट होगा, दूसरा आईसी, तीसरा आईसी, चौथा आईसी किस तरीके से होगा।
तो ये चीज़ को आईसी को असेंबल करने से पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं कि आईसी एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगी। तो आपको एक मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला पता होगा कि हम रो मल्टीप्लाई कॉलम करते हैं। जैसे आपको मैट्रिक्स बनाना होता है तो 3x4 का अगर मैट्रिक्स बना रहे हैं तो हमारा रो 3 होता है, कॉलम 4 होता है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारा जो एड्रेस वाला स्पेस है और ये, तो इसी से हम लोग इसको रो और ये कॉलम जैसा माने तो हम इसको असेंबल कर पाएंगे। तो यहाँ पर 4x2 जो लिखे हैं हम उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो 4 हमारा रो होगा, 2 हमारा कॉलम होगा। तो मतलब हम एक रो और 4x2 कॉलम से हम आईसी को असेंबल करेंगे इस तरीके से। टोटल आईसी को हम इस तरीके से असेंबल करेंगे। तो ये आईसी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से हमने इसको आईसी बना लिया। आईसी को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे हम जहाँ भी इसको यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन आईसी में कौन कौन से यूज़ हम किस किस चीज़ को एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो हमारा जो हम ये 4x8 4 क्या है, 1, 2, 3, 4, हम इस 4 जो इस तरीके से बना है वो किसके लिए बना है, ये मल्टीप्लायर किसका था, एड्रेस का था। तो हम इस एड्रेस को इसके पैरेलली हम इसको ऐड करेंगे, इसको पैरेलली इसके साथ लगाएंगे। और कॉलम वाइज 2 किसके साथ मल्टीप्लायर, हमारा डेटा के साथ मल्टीप्लायर। तो हम डेटा को उस तरीके से अटैच करेंगे। मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर जो, क्योंकि हमारा इसका मैक्सिमम इसको इसमें एड्रेस लाइन हमारे पास टोटल कितने जा सकते हैं, 12। तो 12 एड्रेस लाइन इसको भी मिलेंगे, 12 एड्रेस लाइन इसको भी मिलेंगे, लेकिन डेटा लाइन इसमें 4 जाएंगे, इसमें 4 जाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइन 4 है। तो 2 कॉलम में डिवाइड होगा। तो एक कॉलम में हमारा आधा डेटा लाइन, एक कॉलम में हम लोग D0 से लेके D3 यूज़ करेंगे और यहाँ पर अगला जो D4 से लेके D7 को हम यूज़ करेंगे। तो हमारा मान लीजिए यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर हम MIPI 8085, यहाँ से मान लीजिए हम लोग को सारे इंटरफेसिंग से पास होते हुए, जो कि हमारा AD0 से AD7 जो है वो भी अलग अलग हमको मिल रहा है, एड्रेस और डेटा लाइन अलग अलग मिल रहा है ऐसा मान लेते हैं। और वैसे ही हमारा ALE से सेपरेट किया जाता है उसे, वो अलग अलग हो रहा है। हमारा A8 से लेके A15 भी हमारा जो एड्रेस है वो भी सेपरेट हमको अवेलेबल है। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड मेमोरी, राइट, वो सब सारी चीज़ें हमको सेपरेटली अवेलेबल है ऐसा मान के चलते हैं हम। तो हम यहाँ से एड्रेस लाइन को चालू करते हैं। हमारे पास ये एड्रेस लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो ये मान लीजिए एड्रेस लाइन कौन कौन से अटैच होने वाले हैं हमारे पास। हमारे पास टोटल एड्रेस लाइन 12, 12 का मतलब हो गया A11 से लेके A0। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर A11 से लेके A0 वाला जो एड्रेस लाइन है सबको प्रोवाइड करेंगे, सभी आईसी में प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से, ऐसा ये सारे पिन इससे अटैच हो जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, सभी के सभी ये जो पिन है इसके साथ अटैच हो गए हैं। तो हमारा एड्रेस लाइन सारे के सारे इसमें अटैच हो चुके हैं, देख सकते हैं हम लोग। अब उसके बाद हमारे पास डेटा लाइन है, जो डेटा लाइन है हमारे पास यहाँ से अवेलेबल है। अब डेटा लाइन हम कौन कौन से किसको किसको देंगे, तो इसमें जो डेटा लाइन भेजा जाएगा एक कॉलम में, इस कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ D0 से लेके D3 की वैल्यू को ही वाले ही एड्रेस लाइन को अटैच करेंगे सबके साथ। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट जो डेटा लाइन है वो इसमें यूज़ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा ये इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ होगा। तो इस तरीके से हम बबल्स बनाएंगे, बबल से ये डिफाइन होता है कि कौन सी लाइन किसके साथ अटैच है, वरना हम कंफ्यूज होंगे कि कौन किसके साथ अटैच होके शॉर्ट तो नहीं हो गया वो सारी चीज़ें। तो ये बबल्स डिफाइन करते हैं कि कौन सी लाइन किसके साथ अटैच है। तो ये हो गया हमारा। अब ये जो डेटा लाइन है हमारा D4 से लेके D7 है। तो इस तरीके से हम एड्रेस और डेटा लाइन को एक दूसरे से अटैच करते हैं। तो ये हमारा, अगर एक आईसी का डिस्क्रिप्शन लिखूँ मैं तो 4K x 4 का है। तो यहाँ पर 4K एड्रेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास A11 से लेके A0 है, ये उसके साथ अटैच्ड है। 4 डेटा लाइन हम अटैच करना चाहते हैं तो D0 से D7 इसके साथ अटैच है। सिमिलरली
फोर के क्रॉस फोर अगर आईसी के लिए देखा जाए तो हमारा ये एड्रेस एंड टोटल इसके साथ भी अटैच है, और नेक्स्ट जो एड्रेस है डी फोर से लेकर डी सेवन हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल आईसी इस तरीके से इंटरफेस होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारा मेमोरी रीड और मेमोरी राइट का। तो मेमोरी रीड मेमोरी राइट के लिए ऊपर से हम ले लेते हैं इस तरीके से। तो मान लीजिए ये मेमोरी रीड और मेमोरी राइट बार दो हमारे पास लॉजिक होते हैं, उसको हम इस तरीके से सभी लाइन के साथ अटैच करवाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये सब के सब इंटरनली मान लीजिए सबके साथ अटैच्ड है ये इस तरीके से। मान लीजिए हम सभी आईसी को एक दूसरे से इस लाइन के थ्रू हम सबको अटैच कर रहे हैं ऐसा एज्यूम करते हुए हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा जो मेमोरी रीड मेमोरी राइट का जो कि ऑप्शन है वो इस साथ अटैच हो जाएगा। अब बात आती है हमारी जो रिमेनिंग एड्रेस लाइन है, जो कि हमारे पास जो बच गए हैं एड्रेस लाइन जो कि A15 से लेके A12, ये क्या करेंगे। A15 से लेके A12 जो है हमारा चिप सिलेक्शन का काम करेगा। चिप सिलेक्शन का काम क्यों करेगा, क्योंकि कौन सी आईसी कब एक्टिवेट होगी उसको आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर एक 3x8 का एक आईसी यूज़ करेंगे। 3x8 का डी मल्टीप्लेक्सर हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें जो हमारा लास्ट बिट जो है जो A13 और A14 उसको हम यूज़ करेंगे। ये A12 A13 और A14 ये पिन जो यूज़ करेंगे हम इसको सेपरेट आईसी को सिलेक्शन करने के लिए। तो ये सिलेक्शन कैसे होगा, हर एक आईसी अपने अपने कोडिंग के अकॉर्डिंगली एक दूसरे से अटैच होंगे। तो वो कैसे होगा देखते हैं। तो हमारा ये जो पहला आईसी, क्योंकि इसमें ये और ये एड्रेस लाइन एक ये पहला एड्रेस है तो दूसरा एड्रेस ही इसमें है, मतलब D0 से D3 यहाँ है तो D4 से लेकर D7 यहाँ पर है। तो ये दोनों के दोनों आईसी हमारे एक साथ सेलेक्ट होने चाहिए। तो इसीलिए ही हम यहाँ से जो निकलने वाली पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 पिन है। तो पहली आईसी को सेलेक्ट करने का काम करेगा। तो हम ये इन दोनों के आईसी चिप सिलेक्शन का, इसका चिप सिलेक्शन प्लस इसका चिप सिलेक्शन, दोनों को हम एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए इसको एक ही आईसी के साथ अटैच करेंगे। तो ये जब एक्टिवेट होगा, जब ये पिन एक्टिव ये आईसी एक्टिवेट होगा उस समय ये आईसी को भी एक्टिवेट होना होगा। तो इन दोनों को हम सेम एक्टिवेट करने के लिए चिप सिलेक्शन के लिए एक ही पिन से हम इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा इसका भी आईसी चिप सिलेक्शन, जो चिप सिलेक्शन होता है इसका चिप सिलेक्शन, अगेन इसका चिप सिलेक्शन और इसका चिप सिलेक्शन, इसका चिप सिलेक्शन प्लस इसका चिप सिलेक्शन, दोनों का चिप सिलेक्शन सेम एक साथ होगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा दूसरे पिन के साथ इस तरीके से। एंड सिमिलरली ये वाली आईसी इसके साथ होगी और सिमिलरली ये वाली आईसी थर्ड फोर्थ पिन के साथ अटैच होगी, और ये सभी एक दूसरे के साथ चिप सिलेक्शन के लिए एक दूसरे से अटैच होंगे चिप सिलेक्शन के लिए। तो ये चिप सिलेक्शन के लिए हमारा एक दूसरे से इंटरफेस होगा। तो इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे हर एक आईसी को। ये दो आईसी एक साथ अटैच होंगे, ये दोनों आईसी एक साथ और ये दोनों आईसी और ये दोनों आईसी, ऐसे हमारे चारों आईसी चार चार के पेयर में, चार के दो दो के पेयर में हम लोग चार पेयर बनाएंगे और वो चारों के चारों सेम एक साथ एक्टिवेट होंगे, चिप सेलेक्ट होंगे। तो चिप सेलेक्शन का भी पिन अब बन चुका है यहाँ पर हमारे पास। अब हमारे पास सारे के सारे इंटरफेस कर दिए जा चुके हैं। तो हमको अगर क्वेश्चन अगर आता है तो हम इस तरीके से इसको डील करेंगे। तो ये फुल हमारा इमेज है, इस तरीके से हम वर्क करेंगे। यहाँ पर मेन देखने वाला जो फॉर्मेट है हमारा ये वाला फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से याद रखना है कि हम टोटल आईसी कितने यूज़ करने वाले हैं वो कैसे निकालेंगे, और एक आईसी में कितने एड्रेस लाइन और डेटा लाइन यूज़ होंगे वो चीज़ को देखेंगे। और इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रो मल्टीप्लाइड कॉलम का फॉर्मेट यूज़ करते हुए अगर आप चिप के आईसीज को प्लेस करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा कि हम इसको कैसे कैसे प्लेस करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना, जितने कॉलम के आईसी बनेंगे उतने कॉलम के आईसी को एक साथ चिप सेलेक्ट करना है,
दूसरे आईसी को सेपरेटली से चिप सेलेक्ट करना है। हर एक एक रो हमारा एक साथ चिप सेलेक्ट होगा, कॉलम वाइज चिप सेलेक्शन नहीं करेंगे वरना वो सारा का सारा उसका एड्रेसिंग बदल जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो रो वाइज कॉलम वाइज के सारे चिप को एक साथ डेटा लाइन एक साथ होंगे लेकिन एड्रेस लाइन सभी आईसी के साथ अटैच होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन को डील किया जाता है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ हो तो। ओके, थैंक यू।